गर्मी के मौसम में आम आसानी से मिल जाता है, तो आज हम बहुत ही सिंपल सूजी मैंगो केक बनाएंगे। इस केक को आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बप्ताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सूजी मैंगो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है, 1/3 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, एक पैकेट यहाँ पर मैंने इनो लिया है और एक बड़े साइज का लंगड़ा आम है, यह टेस्ट में काफ़ी मीठा होता है, और एक कप रूम टेम्परेचर मिल्क लिया है। अब हम सबसे पहले सूजी को ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं सूजी एकदम पाउडर बन गई है। इसे इस तरह से बारीक पीस लेना है और इसे पीसना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका केक अच्छी तरह से सॉफ्ट बनेगा। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी ग्राइंडर जार में आम को छीलकर उसका पल्प निकालकर इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पिसी हुई सूजी में डालेंगे पाउडर शुगर, यहाँ पर आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और इसी में डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल के जगह पर बटर का यूज कर सकते हैं, और आम का पल्प डाल देंगे। यह कप से नापे तो 1/2 कप पल्प निकला है, और डालकर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस बैटर को हमें तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें गुठलियाँ और लम्स बिल्कुल भी ना रहें, और इसमें दूध डायरेक्ट एक बार में करके ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से दूध डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। केक बनाते समय हमें इस बात का खास ध्यान देना है कि केक बनाने वाली सारी सामग्री रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, न ज़्यादा गर्म और न ही ज़्यादा ठंडा। तो इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर अच्छे से मिक्स करते जाना है। अभी इसमें मैंने 1/2 से ज़्यादा दूध डालकर अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद अब इसे हम 30 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। 1/2 घंटे बाद आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी थिक दिख रहा है, यानी बैटर गाढ़ा लग रहा है। तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा दूध डालकर फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसी तरह से केक का बैटर की कंसिस्टेंसी आने तक इसमें हम दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक बनाने में आप कभी भी दूध का इस्तेमाल फ्रिज से डायरेक्ट निकाल कर यूज ना करें। अब इसमें हम इनो डाल देंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच दूध डाल देंगे, और बैटर में इनो को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। इनो डालने के बाद बैटर को आप कभी भी 1 मिनट से ज़्यादा ना फेंटें, क्योंकि इनो डालते ही बैटर फूलने लगता है। आप इसे ज़्यादा फेंट देंगे तो बैटर वापस फिर से बैठने लगेगा। केक का बैटर बनकर रेडी है। अब इसे हम डायरेक्ट केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर केक टिन को तेल से ग्रीस कर लिया था और आटे से डस्टिंग कर लिया है। अब इसमें हम केक का बैटर डाल देंगे और 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं केक का बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है, न ही ज़्यादा पतला और न ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से आप केक का बैटर तैयार कर लीजिए। इस केक को बेक करने के लिए मैंने एक भगोने में स्टैंड रखकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आम के टुकड़े काटकर डाल सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, चेरी के टुकड़े काटकर डाल सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। बैटर को तैयार करते समय भी आप इसमें टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम प्री हीटेड भगोने में 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। अगर आप इस केक को माइक्रोवेव में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। केक में मैंने जो चेरी डाला है इसे घर पर बनाया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं।
40 मिनट बाद केक को चेक करेंगे। केक ऊपर से देखने में तो पकी हुई लग रही है, लेकिन अंदर से थोड़ी सी कच्ची लग रही है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। इस केक को बेक करने में कुल मिलाकर 45 मिनट का समय लग गया है। केक हमारी अब अच्छी तरह से बेक हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। दस मिनट बाद केक को भगोने से निकालकर एक रुमाल को गीला करके केक के ऊपर इस तरह से ढक देंगे, जिससे केक का ऊपरी हिस्सा ड्राई नहीं होगा। अब इस केक को 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक को ठंडा कर लेने के बाद इसके साइड के भाग को चाकू की मदद से इस तरह से छुड़ा देंगे। अगर आपको और भी मैंगो की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी मैंगो की रेसिपी डाली हुई है। अब हम केक को केक टिन से डिमोल्ड कर लेंगे। केक टिन को थोड़ा सा हाथों से इस तरह से टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंगो केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप शाम के चाय के साथ या फिर आप इसे नाश्ते में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह बच्चों को काफी पसंद आती है। यह बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह सूजी मैंगो केक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे नए वीडियो जब भी अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। तो देखते रहिए बबताज किचन पॉइंट। एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।